चैनल कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने ज़ुबान में रखें। सो काफ़ी दिन बाद जो है ना, मैं आज अपना एक ब्लॉग लेकर आई हूँ। बहुत ही स्पेशल ब्लॉग है, और वो क्यों स्पेशल है वो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रो में दिखा दिया होगा। और अभी बहुत सारे जो है ना व्लॉग्स मेरे जो है ना लेट आ रहे हैं, आई एम सो सॉरी। वजह ये है कि मैं थोड़ी सी चल रही हूँ मसरूफ़, और इसी वजह से ना मैं थोड़ा सा ना व्लॉग एडिटिंग करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा टाइम लग रहा है। अच्छा, मुझे काफ़ी दिनों से ना कमेंट्स आ रहे थे कि आप पप्पा नहीं आ रहे हैं ब्लॉग में और कहाँ हैं पप्पा। तो आज का जो ब्लॉग में ना, मैं स्पेशली पप्पा को लेकर ज़रूर आऊँगी, क्योंकि पप्पा जो है वो मेरे ब्लॉग में आ ही नहीं रहे। थोड़ी सी आवाज़ वगैरह उनकी आ रही है, लेकिन वो प्रॉपर जैसे पहले आते थे ना, वो नहीं आ रहे। तो इस ब्लॉग में जो है ना, तो इस ब्लॉग को मिस नहीं करना है, अपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलो फिर चलते हैं आज के ब्लॉग की तरफ। मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि आप अपने हस्बैंड को नहीं लेकर आ रही हैं, तो वो उनका फेस और रिवील हो ही चुका है। अगर आप लोगों ने वो मेरा जो ब्लॉग है वो नहीं देखा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सेंड कर दूंगी, आप लोग वहां से मेरे निका का ब्लॉग देख सकते हो। तो निका के बाद जो है वो पहला वैलेंटाइन बड़ा है, तो मेरे अब्बा ने कहा कि बेटा तुम तो वैसे ही हर चीज़ सेलिब्रेट करती हो, तो ये चीज़ भी सेलिब्रेट करो। तो मैं बना रही हूँ स्पेशली आज केक उनके लिए। तो उसकी रेसिपी, हाँ मैं ये बात बता रही थी कि मुझे रेसिपीज़ के इतने कॉमेंट्स आ रहे थे, इवन मुझे इंस्टाग्राम पर भी लोग ना पूछ रहे थे मैसेज कर करके कि केक की रेसिपी कहाँ है आपकी। और मैंने ना वो अपनी बर्थडे पे भी बनाया था केक, वो भी ब्लॉग मैंने डाला था, लेकिन ना अब जो है वो शायद आज कुछ स्पेशल बन रहा है केक, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को फटाफट से रेसिपी दे देती हूँ। तो चलो फिर चलते हैं अभी रेसिपी की तरफ, और मैं क्या क्या बना रही हूँ वो भी मेन्यू मैं आप लोगों को जो है ना आगे दिखाती रहूँगी, और पापा से भी मिलवा दूँगी। तो चलो फिर केक की रेसिपी देख लेते जल्दी जल्दी फटाफट। अच्छा, मैं इतनी डिटेलिंग में नहीं वो करूँगी, जैसे पहले मैंने रेसिपी दी थी जो जो दाल डालती रहूँगी वो करके मैं आप लोगों को बता दूँगी, ठीक है। चलो फिर चलते हैं किचन में। तो सबसे पहले जो है ना इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जिसमें भी आपने केक बनाना है ना उसको अच्छे से ड्राई कर लेना है। अगर सरस भी पानी रहा तो ना फिर आपका जो है ना केक फूलेगा नहीं। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से केक अच्छे नहीं बनते, तो इसीलिए मैंने सोचा सबसे पहले मैं यही बता देती हूँ। अब मैं ले रही हूँ 4 अंडे, ठीक है। अंडे जो है वो आपने रूम टेम्परेचर पर लेने हैं, फ्रिज वाले बिल्कुल नहीं लेने, क्योंकि मुझे एक दो कॉमेंट आए थे कि हमारा जो केक है ना आपकी रेसिपी से बनाया था लेकिन ना वो थोड़ा हार्ड हो गया और वो ही नहीं हुआ, फूला ही नहीं है। तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ना बारीक चीज़ें उसकी वजह से केक आपके सही नहीं बनते। तो बस रूम टेम्परेचर पे मैंने ले लिए हैं अंडे, और अंडे को थोड़ा सा बीट किया, और उसके बाद मैंने डाल दिए इसके अंदर 175 ग्राम्स शुगर, ठीक है। पिसी हुई चीनी ली है, अगर आपके पास पिसी हुई नहीं है तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप साबुत भी ले सकते हो, वो पिस जाएगी, लेकिन बारीक लोगे तो अच्छी जल्दी बनेगा केक ना। अच्छा, इसके अंदर मैंने लेमन एसेंस डाल दिया, वेनिला एसेंस भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, और मैंने साथ में डाल दिया था इसके अंदर आधा कप तेल, ठीक है। तो बस ये जो है इतने अच्छे बबल्स बन गए हैं इसके अंदर, और ये फ्लफ़ी भी हो गया। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे मैदा, ठीक है। मैदा हमने लेना है 200 ग्राम, ठीक है। 200 ग्राम मैंने जो है ना इसमें मैदा लिया है, और एक साथ नहीं डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, ठीक है। ऐसे अगर आप ज़्यादा डाल दोगे तो आपको जो है ना इसको फोल्ड करने में थोड़ा सा मुश्किल होगी, क्योंकि अगर आप पहली दफ़ा बना रहे हो, मैंने जो है वो काफ़ी दफ़ा मैं बना चुकी हूँ, तो मुझे केक बनाना आराम से मैं बना सकती हूँ, तो इसीलिए अब अच्छा इसको भी मैं ड्राई कर रही हूँ। आप लोग देख रहे हो हर चीज़ जो है ना मैंने ड्राई कर लिया, कि ये ना हो कि केक में थोड़ा सा भी मसला हो और वो फूले ना, ठीक है। मैंने इसमें ज़्यादा मैदा ऐड कर लिया, आप लोग थोड़ा थोड़ा करके पहले फ़ोल्ड करना, ठीक है।
और इसको जिस तरीके से मैं फोल्ड कर करके बना रही हूँ ना, आपने भी एग्जैक्टली लाइक ऐसी ही बनाना है उसको। अगर आप ज़ोर से फेंटोगे इसको ना बिल्कुल, तो ये जो है ना मसला कर देगा, केक बैठ जाएगा। इसको फ्लफ़ी ही रहना है, ठीक है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 चमचा बेकिंग पाउडर, नहीं फिर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने आधा चमचा और डाल दिया था, ठीक है। मतलब 1 चमचा और आधा चमचा आप जो घर में नॉर्मली यूज़ करते हो वो। अच्छा, अब ये हो गया है थोड़ा सा थिक, तो मैं इसको करूँगी लिक्विड, ठीक है। तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ दूध, आप इसमें पानी भी यूज़ कर सकते हो। इस टाइम पर आप कोको पाउडर भी डाल दोगे तो चॉकलेट केक बन जाएगा, लेकिन आप लेमन एसेंस नहीं डालोगे, आप डालोगे वेनिला एसेंस, ठीक है। चॉकलेट केक में या तो चॉकलेट एसेंस डल जाता है या तो वेनिला एसेंस डलता है, लेकिन मैंने जो है ना लेमन एसेंस डाला और मैं बना रही हूँ उधर वेनिला केक, ठीक है। ये जो है वो मैंने ग्रीस करके रख दिया था। अच्छा, ये मैंने पहले ऑयल से ग्रीस किया, फिर थोड़ा सा जो है ना ड्राई मैदा इसमें डाल दिया। अगर आप लोगों ने इसकी जो है वो देखना है प्रॉपर कि मैंने कैसे किया है, तो मेरी प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं, उसके अंदर जो है ना मैंने काफ़ी दफ़ा केक बेक किया है। बिस्मिल्लाह, सो अब इसमें निकाल दिया है मोल्ड में, उसके अंदर देख लें बबल्स भी आ रहे हैं। सो अब हम प्री हीट किए हुए ओवन पे या तो पतीली के अंदर इसको आराम से रख देंगे। अच्छा, तो जब तक मेरा केक हो रहा है बेक, तो मैंने सोचा कि मैं क्रीम विप करके रख देती हूँ, और इसमें थोड़े से बर्फ़ वाली क्रीम हो रही है। ये जितनी ठंडी होगी उतनी अच्छी विप होगी, और गर्मियों में तो ये ज़्यादा ठंडी हो बर्फ़ वाली हो तो चल जाती है, लेकिन सर्दियों में अगर आप इसको बर्फ़ वाली यूज़ करोगे ना तो फिर ये ज़्यादा जल्दी बैठ जाएगी। तो ये क्रीम विप हो गई है, सो ये क्रीम विप हो गई, और ये देखो ऐसे पता लगेगा, क्योंकि ये क्रीम बिल्कुल भी नहीं रही अपनी जगह से, तो ये क्रीम विप हो गई है, ठीक है। अच्छा, तो मेरा केक हो गया है बेक, और इसको मैंने इस तरीके से पतीली के अंदर जो है ना एक स्टील की प्लेट रखी थी और उसके ऊपर जो है ना अपना मोल्ड रख दिया था। डायरेक्ट पतीली के अंदर नहीं रखते, क्योंकि फिर वो नीचे से जो है ना केक जल जाता और ऊपर से फूलता नहीं है, और ऊपर से रहता वैसे ही येलो येलो सा और नीचे से बिल्कुल काला हो जाता। तो कुछ ना कुछ आप स्टैंड रख लो, पतीली रख लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। ये जो है ना केक मेरा बिल्कुल बेक हो गया है, मैंने चेक भी कर लिया, और ये साइड से ये देख रहे हो आप लोग, साइड्स जो है ना वो केक ने छोड़ दिए मोल्ड के, तो इसका मतलब है केक बहुत अच्छे से बेक हो गया। अब मैं इसको रख दूँगी रूम टेम्परेचर पे फॉर 3 to 4 आवर्स, ठीक है। इसके बाद मैं इसकी आइसिंग करूँगी। अगर मैंने अभी इसकी आइसिंग करी ना तो केक बिल्कुल सही नहीं होगा, वो फिर जो है ना क्रीम बिल्कुल जो है ना वो अलग अलग सी हो जाएगी। तो बस मैंने जो है वो कर लिया था आइसिंग, ठीक है, और मेरे मोबाइल की हो गई थी बैटरी डेड और मेरा फ़ोन हो गया था बंद, तो मैंने आइसिंग जो है ना बगैर जो है ना रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई मैं तो। लेकिन थोड़ा बहुत मैंने चार्ज कर लिया था, और मैंने ये रेड क्रीम बना ली थी, वो जो मैंने आप लोगों के सामने जो है ना क्रीम के अंदर विप की थी ना, उसमें मैंने रेड कलर ऐड करके इसको प्यारा सा रेड कलर बना लिया, क्योंकि वैलेंटाइन डे है तो थीम तो रेड एंड वाइट की ही होती है ना। तो बस ये मैं आज केक बना रही हूँ, बस अल्लाह करे जिसके लिए बना रही हूँ उनको पसंद आ जाए केक। हियर इज माई केक, इज रेडी नाउ। सही बना है? कोई गजब किया जालिम जो तेरे वादे पे इस बार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। रेडी, तो ये देख लो ये इसका लुक है, लेकिन कुछ फीका फीका लग रहा है ना, तो क्यों ना इस पे फाउंटेन का थोड़ा सा वर्क कर दिया जाए। तो मैंने जो है ना कटर से फाउंटेन को कट कर लिए थे, और मैंने जो है मैं क्वीन हूँ तो फिर तो ये केक तो किंग के लिए होना चाहिए ना, तो बस मैंने यहाँ पे ना कस्टमाइज़ कर दिया था थोड़ा बहुत। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या लिखूँ, लेकिन जो है कुछ ना कुछ करके मैंने इस पर अच्छे से लिख दिया है, और बस केक मेरा रेडी हो जाएगा और मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। और मैं मेरे जो है ना कुछ
रात के खाने के लिए प्रिपरेशन करनी थी वो भी मैं कर लूँगी। केक मैं पहले बना के रख देती हूँ क्योंकि फिर उसके बाद जो है ना मैं कुछ नमकीन पे हाथ लगाती हूँ, अगर मैंने मीठा पहले बना लिया तो मैं रिलैक्स रहती हूँ, नहीं तो जो है ना मेरे हाथ में मिर्ची हो कुछ भी हो। केक जो है ना इतना सेंसिटिव चीज़ होती है कि अगर आपने जैसे अदरक लहसुन का कोई काम कर रहे हैं और फिर उसके बाद आपने केक बना लिया तो वो जो है ना ये बारीक चीज़ें होती हैं, फिर केक में थोड़ी सी भी स्मेल आ जाए ना चीज़ की तो फिर वो पूरी चीज़ ज़ाया हो जाती है। तो एहतियात करें कि अगर आप लोग कोई दावत कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो पहले केक बना के साइड में कर दें, फिर नमकीन की तरफ आएँ। मीठा पहले बनाना चाहिए हर चीज़ में। मेरा मोबाइल इतना मसला कर रहा था, बार बार बंद हो जा रहा था, तो बस अभी जो है ना मैंने बना रही हूँ पालक गोश्त, और ये जो है वो मेरे हस्बैंड को पसंद है तो इसीलिए, वैसे ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और लेकिन मैंने ये बनाया तो सिर्फ उनके लिए, मुझे पसंद ही नहीं है पालक। ऐसा नहीं है कि मैं खाती नहीं हूँ, खा सब लेती हूँ, मैं कभी भी कोई चीज़ नाक मुँह नहीं चढ़ाती हूँ कि मुझे ये नहीं पसंद मुझे वो नहीं पसंद, ये कि बस शौक से नहीं खाती हूँ, पक जाता है तो खा लेती हूँ। तो मैं ये लेकर आई थी कुछ डेकोरेशन के लिए सामान, फेरी लाइट्स थी और कुछ वाटर कैंडल्स थी। बचपन से देखते आ रहे हैं, अम्मी पापा को बहुत शौक़ था हर चीज़ का डेकोर करने का, सजाने का, बर्थडे हो या कोई एनिवर्सरी हो, दावत हो, कुछ भी हो, तो बस ये हम लोगों ने देखा तो मैंने आज सोचा कि कुछ अच्छा सेलिब्रेट कर रहे हैं तो कुछ डेकोर भी कर लेते हैं। सो केक जो है वो मैंने बेक कर लिया है और उसकी जो है डेकोर भी कर लिया है और मैंने रख दिया उसको फ्रिज में और मैं हो गई हूँ रेडी। ना मेरी नज़रों से गुजरे थे वो एक कमेंट मैंने पढ़ा था कि अपनी डाइट जो है वो हमसे शेयर करें, तो यार प्रॉपर डाइट मैंने एक वीडियो बनानी थी, मैंने जो है वो अपना वेट काफ़ी लूज़ किया था लेकिन वो मैंने प्रॉपर वीडियो अभी तक नहीं अपलोड की थी क्योंकि जब मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट की थी तो फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे नहीं लगा था कि मैं अपना वेट लूज़ कर पाऊँगी। 30 kg लूज़ करना आसान बात नहीं थी, जब मतलब आप जब अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं तो वो तो मोटिवेशन जो होती है तभी आप वेट लूज़ करते हैं ना, तो मोटिवेशन तो सबको ही मिलती है लेकिन वो ख़त्म हो जाती है बीच में, वो मेरे साथ बहुत दफ़ा हो चुका है। इसीलिए मैंने कहा मेरी मोटिवेशन बीच में टूट गई और यूट्यूब पे मैंने वीडियो अपलोड कर दी कि मैं वेट लूज़ कर रही हूँ और वेट लूज़ नहीं हुआ तो बहुत बेइज्जती हो जानी है। इसीलिए मैंने ना कोई अपनी ट्रांसफॉर्मेशन या कोई अपनी डाइट के रिलेट अपनी कोई भी वीडियो अपलोड ही नहीं की थी। इंशाल्लाह अगर मुझे 2-3 मैसेजेस वैसे आ गए हैं लेकिन ये है कि मैं कुछ दिन बाद कुछ टाइम के बाद मैं अपनी डाइट जो रूटीन है वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, उसके लिए मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब और बेल का आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना है। लोग जो है ना सब्सक्राइब कर देते हैं और भूल जाते हैं, नोटिफिकेशन अगर आप तक नहीं पहुंचेगी, आप लोग बेल का आइकन नहीं प्रेस करोगे तो नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। और नोटिफिकेशन का मतलब ये है कि आपको पता लग जाए कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी और आप लोग फटाफट से वीडियो देख लें, इसका मतलब होता है कि आप सब्सक्राइब तो कर दें लेकिन उसके बाद जो है ना बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अच्छा तो खाने की बातें करते करते लग गई है भूख और अब निकाला मैंने खाना, लेकिन पापा ने मुझे वीडियो बनाने ही नहीं दी थी तो प्रॉपर मैं व्लॉग कर ही नहीं पाई खाने का। मेरे अब्बा ने ना मुझे जल्दी जल्दी खाना नहीं दिया। अच्छा अच्छा पापा, thank you।
मैं तो आ ही नहीं रही हूँ, मैं तो ये कैमरे में आ ही नहीं रही हूँ बिल्कुल भी। इन्होंने सारी जगह ले रखी है, पूरे कैमरे में आए मेरा, मुझे जगह ही नहीं मिली। हाँ आप सही। हाँ पहले मैं आपको दे देती हूँ। पसंद आया आपको? सर दिल काट दिया, बीच से दो टुकड़े कर दिए दिल के। क्या कह रहे थे आप? कह रहा हूँ फोटोग्राफर से शादी की। फोटोग्राफर से शादी की? अच्छा हाँ, तो आप तो बोल रहे थे तस्वीरें खींचो, कोई बात नहीं, अच्छा है तुम तस्वीरें खींचो। हाँ नहीं मना नहीं किया ना, पॉइंट तो मारा। गिफ्ट खुल रहा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरे निका का व्लॉग है, अगर आप लोग वो देखना चाहो, अब मिस हो गया तो वो भी आप लोग देख सकते हो। अरे बाहर नहीं यार, तुम बड़े तरीके का हो, उफ तरीके कार। अच्छा जी सही है। जब मैं बोल रही थी तो मानी नहीं मेरी बात। खोलो मैगम। हाँ खोलिए। वाओ ईशान याद आ जाता मुझे जब आप बोलते ना वाओ। जबरदस्त। थैंक यू मैगम। अच्छी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। सो पापा काफी दिन से ना लोग मुझे कह रहे थे कि पापा आपके ब्लॉग में ही नहीं आ रहे, और पापा कहाँ हैं, तो आप कहाँ थे इतने दिन से, आप मेरे ब्लॉग में नहीं आ रहे थे, लोग आपको बड़ा मिस कर रहे थे, आप तो स्टार बन गए पापा। स्टार क्या होता है बेटा, स्टार लोगों पे मुनसर है, किसको स्टार बनाए वो ना बनाए। हाँ बस आप तो खुश हैं, अच्छा था सेलिब्रेशन हो गई अच्छी सी, अब आप खुश हैं, तो आइडिया था ना इसीलिए। आइडिया तो मैं तो पता नहीं कितने सालों से ये आइडिया चल रहा है, लेकिन उसकी लोग बोलते हैं ना कि मनाते नहीं है वैलेंटाइन डे और ये, लेकिन मसला ये एक अच्छी बुराइयों में बहुत सारी बुराइयों एक अच्छाई को हम ढूंढना चाहते हैं, इसमें एक अच्छाई ये है कि मोहब्बत जो है ना उसका इजहार करने का मौका, ज़रूरत नहीं है कि इंसान से ही होता है, जानवरों से भी होता है, हर एक से मोहब्बत ऐसी चीज़ है हर एक से होती है, लेकिन इजहार कोई नहीं करता उसका, कि लोगों के पास वक्त ही नहीं है। चलो मुझे पता चला एक दिन ऐसा है आप अपने मोहब्बत करने वालों को देखते हैं, इजहार करते हैं, यही बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, बहुत नहीं है, खुशियाँ बांटने का कोई भी मौका मिले तो हाथ से जाने नहीं, उसको खुशी दे सकते हो तो दो, और कोई अगर आपको खुशी देता है तो लो। बहुत से लोग इसमें भी कंजूसी कर जाते हैं, अब क्या करें, उसको ये है ना आपकी अच्छाइयाँ आपके साथ हैं, दूसरों की अच्छाइयाँ उनके साथ, ये तो हो नहीं सकता ना कि आप सबको एक साथ सबको खुश करें, आप खुश करने के जाएंगे चार को खुश करोगे दो नाराज़ हो जाएंगे। ये तो है पापा। तो बेटा पापा आई लव यू। बेटा आप ना भी बोलो तो तुम मेरे आई लव यू बोलने से लव थोड़ी होता, वो तो आपका एटीट्यूड बताता है कि लव, आपने जो कल किया तो ये एटीट्यूड ये है कि दिल में मोहब्बत है, जिसके लिए मोहब्बत होगी तो इंसान अब दिल चीर कर तो किसी को दिखा नहीं सकता, तुम तो कभी कभी ऐसा कर देते दिल चीरे बगैर ही सब कुछ दिखाती थी, तो ये तो तुम्हारा वो है ना, तो अच्छी चीज़ है ना, ये एक्सप्रेस करना चाहिए ना लोगों। देखे बेटा बहुत से लोग ऐसे हैं इजहार किसी चीज़ का करते ना तो आजकल हर चीज़ के दो मायने हो गए, वो कहते हैं हाईलाइट कर रहे हैं, कोई कहेगा हाईलाइट करते हो हैं, कुछ कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, लेकिन जिस चीज़ के मायने जो हैं वो बदलते नहीं, आप मोहब्बत करते हो जिससे भी करते हो उसको प्रोटोकॉल देने का मतलब ये होता है कि आप बता रहे हो कि मेरे दिल में तुम्हारी जगह कितनी है और मुझे तुमसे मोहब्बत कितनी है, किसी के करने नहीं करने की बात है, मैं हम तो अपनी क्योंकि अल्लाह को हमने जवाब देना ना, तुम्हारे बारे में तो कोई जवाब देगा नहीं ना, तुम्हें को देना है, और जो भी करो ना अल्लाह के लिए करो, अल्लाह की रज़ा के लिए करो, कि अल्लाह के बंदों को खुश करोगे तो अल्लाह तुमको खुश करेगा, काफी है। अल्लाह हाफिज़। खुश रहे। अल्लाह शुक्रिया बहुत।
सो गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, उससे मेरी आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगी। और आप लोगों ने रखना है मुझे, मेरे हस्बैंड को और मेरे पापा को दुआओं में याद रखना है, ठीक है। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।